न्यूज़ वायल एस के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल पर आए, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दे रहे हैं, तो इसके लिए हृदय से आभार और आप लोगों को बधाई। आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की दया से, आप लोगों के सपोर्ट से आज न्यूज़ वायल SK.com पर 2300 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। ये आप लोगों का सपोर्ट है, इस सपोर्ट के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे पास 7 प्रश्न हैं और ये 7 प्रश्न न्यूज़ वायल SK.com के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस 7 प्रश्न को यदि आप देख लेते हैं, इस 7 प्रश्नों का सोल्यूशन समझ जाते हैं, तो न्यूज़ वायल SK.com पर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आप आसानी से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ आपको एक अलग जगह बना हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ से सेपरेट स्टूडेंट के लिए उस जगह है, वो जहाँ वहाँ से वो अपना मटेरियल ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट या ये पोर्टल आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर पहले पहला प्रश्न, यहाँ मैं 7 प्रश्न को बता देता हूँ कि ये 7 प्रश्न क्या है, उसके बाद मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को देखूँगा। पहला प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा रोचक प्रश्न है वो है, सर साइंस का PDF दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है साइंस का PDF दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विज्ञान का नोट्स वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छात्रों का कहना है कि विज्ञान का नहीं मिल रहा है, किसी छात्र को सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का नहीं मिलता हो, ठीक है, तो उस पर मैं बता दूंगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न भी भेजो। कहने का मतलब, गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गणित का भी हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन दीजिए। ठीक है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, आपको बहुत जल्द ही गणित का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगला प्रश्न है, ऑनलाइन टेस्ट कब होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन टेस्ट कब कराते हो, कब होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है कि आप ऑनलाइन टेस्ट कब करवाते हो। तो ऑनलाइन टेस्ट पहले से जो बना हुआ टेस्ट सब है, जो 2022 एग्ज़ाम के लिए है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन टेस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को अपडेट हम कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट तो 2020 के लिए बना था, लेकिन उसमें और हम क्वेश्चन को जोड़ करके सबको अपडेट कर रहे हैं, नया नया क्वेश्चन सब उसमें डाल रहे हैं, जो कि VVI हो, तो क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसके लिए भी मैं बताऊंगा, सारा रास्ता बताऊंगा। उसके बाद है प्रश्न, VVI है ना, तो जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म पर मैं 2017 से ही काम कर रहा हूँ और 20 में जा कर के इस पर अपना पूरा मेहनत लगा दिया हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छात्रों की भलाई को देखते हुए, और 2020 में हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल करके बताए कि सर आपका वेबसाइट बहुत मस्त है, यहाँ पर हम आराम से ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी मुझे खुशी मिली। उसके बाद मैंने नोट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे पहले 2020 में नोट्स पर काम नहीं चल रहा था, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट चल रहा था। तो हमारे दोस्तों का कहना था कि सर नोट्स भी लाइए, तो बोले चलो ठीक है, नोट्स भी लाते हैं, नोट्स पर हम काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट कब होता है, तो एक होता है विशेष ऑनलाइन टेस्ट जो बीच बीच में होता रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन आपको देंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करके रखेंगे। अब आप ऑनलाइन टेस्ट लगाइए भर दिन, और शाम में उसमें एक हम पासवर्ड आपको दे देंगे, उसी पेज में रहेगा पासवर्ड क्वेश्चन के नीचे, उस पासवर्ड को जो ही उसमें लॉक डालेंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर सामने में खुल के चला आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो पहले से ही रहता है, लेकिन आपको पासवर्ड हम जब तक नहीं देंगे तब तक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं खुलेगा। ठीक है, अब पहले ही उत्तर आपको दे दे तो फिर क्वेश्चन, फिर ऑनलाइन टेस्ट का महत्व क्या हुआ। तो ये बीच बीच में चलता रहेगा, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जो है वो पहले से बना है, उस पर आप रिवीजन कीजिए, उस पर जो ही आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म होगा तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो भी आपको बताएंगे। ठीक, गणित के बारे में बताएंगे। और अंतिम प्रश्न इसमें बन रहा है एक, कि हमारे लिए भी कुछ बताओ ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इस पर अर्निंग कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल गांव से हूँ, मधुबनी के एक सिंपल गांव से हूँ, मतलब जहाँ पर सब कुछ का व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ से मैं अर्निंग कर रहा हूँ घर बैठे। तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड सेट, एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए,
और इस पर आप काम कर सकते हैं तो आप भी अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन एक बात आप हमको बताइए, आपसे ही पर प्रश्न पूछते हैं, यदि आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उससे आपको पैसा मिलता है? तो आप में से मतलब 99% स्टूडेंट का यही जवाब होगा, इससे हमको 1 रुपया नहीं मिलता है। फिर भी आप 2 घंटों घंटों उसमें लगे रहते हैं। आप कहने का मतलब ये हुआ कि आप घंटों घंटों फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, आपको 1 रुपया नहीं मिलता है। तो वैसे ही आपको यदि इससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मन में ये रखना है कि पैसा हमको कमाना है पहले, तो फिर इस पर आप नहीं आइए। ठीक है, ये आप प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप अपना जिस प्रकार फेसबुक पर टाइम देते हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं आता है, फिर भी आप टाइम देते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा। अगर इस वीडियो के नीचे 50 कमेंट आ जाता है और 50 लाइक आ जाता है, कम से कम 50 लाइक आ जाता है, तो फिर मैं इस पर काम करूंगा। आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक सिंपल तरीका क्या है, इजीएस्ट भी बताऊंगा, ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे हल्का तरीका क्या है, हल्के तरीके। चूंकि इंटरनेट पर जितना भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, सब में कुछ ना कुछ ओल झोल मोल मचोल करके रखा है, ढेर सारा ऐसा मैटर को लगा दिया ताकि एक सिंपल स्टूडेंट इस पर नहीं कर पाएगा, आपको थोड़ा बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा चीज़ आपको बताऊंगा जो बिल्कुल सिंपल में हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में, वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो में मैं एक कोड दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में मैं एक कोड दूंगा अंत तक, उस कोड को आप हमारे साथ शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, तो मैं आपके लिए एक ऐसा बोनस चीज़ लाने वाला हूँ जो आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको एक ब्लॉगर वेबसाइट फ्री में मिल जाएगा, जहाँ पर सीखने वाला काम होगा, आप कैसे सीखेंगे, आप कुछ कुछ करके सीखने वाला चीज़ आपको हम बना करके दे देंगे और सारा तरीका बताएंगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। एक छात्र के लिए बहुत सुंदर जगह है, छात्र जीवन में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ सीख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज के समय में डिजिटल एज में हम लोग चल रहे हैं, तो इस बीच में हमें ये चीज़ सब सीखना ज़रूरी ही है, ठीक है, तो ये काम की बात है। चलिए अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या सब है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए जो प्रॉब्लम बन रहा है, 10th यानी 10वीं वाले छात्र जो हैं, उसको गूगल के सर्च बार में इतना चीज़ टाइप कर देना है, ठीक है। इतना टाइप कीजिए, डिजवाल SK 10th बिहार बोर्ड सतीश कुमार भी लगा सकते हैं। जो ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास में ये लिंक आ जाएगा, ठीक है, पहला लिंक, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आप चले आएंगे हमारे पेज पर, ठीक है। आप हमारे उस पेज पर चले आएंगे जहाँ पर 10वीं का पढ़ाई से संबंधित आपको लेख या पोस्ट मिलता है, ठीक है। वैसे यदि आप newswireSK.com पर चले जाएंगे तो आपको ढेर सारा पोस्ट मिलता है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। और इस पोस्ट का जो मेन लिंक है वो दोस्तों ये है, ठीक है, आपको दिखता होगा newswireSK.com/team.html, ठीक है। अब इस पेज पर आ गए, ये 10वीं वाले के लिए था। और 12वीं वाले के लिए क्या होगा, यदि 12वीं वाले स्टूडेंट है उसके लिए कुछ नहीं है, इसमें 10 जो है, 10 के जगह पर आपको लगा देना है 1 2 TH डॉट, ठीक है, 1 2 TH डॉट HTML लगा देंगे तो वो 10 12वीं वाले पेज पर चले जाएंगे। ये हमारा पेज रहा, ठीक है। ये पेज जो है, इस पेज पर भी आपको यहाँ पर लिंक दिखाया गया कि आपका लिंक क्या है, ठीक। अब उसके बाद है कि मैं पूरा इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा सीरियस होकर के आपको देखना है, मैं पूरा रिव्यू कर रहा हूँ। उस रिव्यू के दौरान आप पूरा सीख जाएंगे कि इस पर हमको newswireSK.com पर कैसे पढ़ाई करना है। और 10वीं 12वीं छात्र के लिए वीडियो को छोड़ दिए तो समझ जाइए आप के साथ हमेशा यह समस्या बना रहेगा, आप अपने दो छोटे भाई को भी नहीं बता पाएंगे बाबू तुम कैसे यहाँ पढ़ोगे, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ है, ऊपर से मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ, दो चीज़ है। एक है व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 10वां वाला भी है, इंटर वाला भी है, और एक टेलीग्राम का है चैनल, ठीक। तो यहाँ पर आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं
कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम का ऐप आपके मोबाइल में स्मार्टफोन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितना भी अब क्वेश्चन सब होगा टेलीग्राम पर, क्या होता है हम क्विज भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्विज भी करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ व्हाट्सएप पर संभव नहीं। यहाँ टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब बोलेंगे आप सर टेलीग्राम पर क्यों बोल रहे हो, व्हाट्सएप तो अच्छा है। बोले व्हाट्सएप बिल्कुल अच्छा है, लेकिन व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ा डिमेरिट क्या है कि आज यदि आज हमारे साथ तो आप ज्वाइन करते हो, जुड़ते हो, तो कल हम क्या पोस्ट किए वो आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है वो व्हाट्सएप का। अभी ज्वाइन किए तो अभी एक घंटा पहले हम क्या दिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम में ये नहीं होता है। टेलीग्राम में आपको जो भी होगा वो हमेशा मिलता जाएगा, हमेशा मिलता जाएगा। जो नया पोस्ट मिलेगा आपके साथ शेयर हो जाएगा। और आज जो ज्वाइन करें टेलीग्राम में, ये फ़ायदा होता है, आज हम यदि टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम चैनल कब से शुरू हुआ, कब से पोस्ट डलना शुरू हुआ, पूरा पोस्ट हमें मिलना शुरू हुआ, यानी पिछला पोस्ट भी हमको दिखता है। इसलिए फ़ायदा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप टेलीग्राम को तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बिहार बोर्ड से संबंधित जो हमें न्यूज़ मिलता है उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड ताज़ा खबर क्लिक है, इस बटन पर जो है ये हरा कलर का जो बटन बना है इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार बोर्ड से संबंधित जितना भी ताज़ा खबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग छात्र हैं तो छात्र के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर तीन विषय पर लिखा गया है लेख, इस लेख को तो ज़रूर पढ़ लेना है। एक छात्र के लिए एक इस पर क्लिक करके पढ़ लेना है, एक इस पर क्लिक करके पढ़ लेना है, एक इस पर क्लिक करके पढ़ लेना है। ये तीनों लेख तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तीनों लेख में क्या है, परीक्षक का दिल जीतना सीखे, अधिक अंक प्राप्त करने का 100% वर्किंग ट्रिक है इसमें बताया गया, और कोई छात्र अक्सर स्टूडेंट को याद नहीं होता है तो याद करने का मूल मंत्र इसमें बताया गया है दो नंबर में, और छात्र के गुण, छात्र एक अच्छे छात्र का क्या गुण होता है इस पर भी बताया गया है ये तीसरा में। तो ये तीनों को पढ़ लेना चाहिए। और ये तीसरा जो हम इसलिए बनाए हैं कि बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कुछ भद्दा भद्दा अभद्र कमेंट करता है, ठीक है, उनके लिए है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं और आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए है, एक अच्छे छात्र के विषय में क्या है उसको पढ़ लेना ज़रूरी है। अब चलिए उसके बाद है साइंस 10th ऑल टेस्ट। एक तरफ से मैं इस पेज का पूरा रिव्यू दे रहा हूँ, इसीलिए आप सीरियस होकर के इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज के बाद से फिर दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा न्यूज वायरल एस के वेबसाइट से संबंधित कि हमको कैसे पढ़ना है, हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है। आपको अभी बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़, कौन कौन पेज को फॉलो करके रखना है, किस पेज पर ध्यान रखना है, कहाँ पर क्वेश्चन आता रहता है, वो आपको जगह आज हमको हम आपको बता देते हैं। पहला जगह जो है, पहला बटन जो है, ये ऑरेंज कलर का जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑरेंज कलर का जो बटन है इसमें जो आपको मिलेगा वो साइंस का ऑल टेस्ट मिलेगा। जितना भी टेस्ट होगा इस बटन पर क्लिक करके आप उस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करके देखते जाएं कि कैसे होता है। सबसे पहले इस बटन पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए उस कैटेगरी में हम पहुँच जाएँगे जहाँ पर यहाँ टेस्ट बना हुआ है, ठीक है। एक एक तरफ से हम देखते जा रहे हैं, आप पेशेंस बना करके वीडियो को देखते जाएं। अब देखिए यहाँ पर अभी 57 टेस्ट अभी यहाँ बन चुका है, ठीक है। अब टेस्ट को लगाना कैसे है ये भी एक प्रश्न था कि टेस्ट कब होता है, तो टेस्ट अभी यहाँ पर 57 टेस्ट अपडेट टेस्ट सब है जो कि 2020 में था और उसमें और क्वेश्चन को अपडेट किया गया, क्वेश्चन को और ऐड करके टेस्ट को अपडेट टेस्ट बनाया गया। तो यहाँ पर 57 टेस्ट है, आप वन बाय वन 57 के बाद 56 है, 55 है, ऐसे करके आप बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए और बढ़ते 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 यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर देखिए पेज लिखा हुआ है, पहला पेज में था, दो पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज में चले जाएंगे, तीन पर क्लिक करेंगे तीसरा पर जाएंगे, तीन खत्म होगा तो अपने आप चार पाँच ऐसे करके पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर टेस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत रोचक चीज़ है कि यहाँ पर अब लाइव क्रिकेट भी, अब जो जो ही रिसेंट कोई क्रिकेट आएगा तो उसका लाइव भी आपको मिलेगा इसी वेबसाइट पर। चलिए ये भी एक नया, आपको एक नया चीज़ मिल गया। चलिए अब ये टेस्ट लगाना कैसे है, ठीक है, बोल दिया आप टेस्ट है फिर टेस्ट लगाना क्या है, तो आपको क्या करना है इस पर, ठीक है, इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप
क्लिक कर दीजिए, आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये विज्ञापन आया उसको बंद कर दीजिए। अब इसको ऊपर उठाना है, चलिए उठाते चलिए ऊपर ऊपर उठाइए। इसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी है तो आप इसको बढ़िया आगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में एक बटन बना हुआ है जिस बटन का नाम है स्टार्ट क्विज, ठीक है। स्टार्ट क्विज नाम का बटन है, इस बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना, इसी बटन पर क्लिक करना। अब जितना भी टेस्ट होगा तो इसमें स्टार्ट क्विज नाम का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो क्विज हमारे सामने में आ जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे पास आ गया क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। अब ध्यान से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में खोजना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। चार ऑप्शन है ना, चार में से जो ऑप्शन आपका सही हो उस पर क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे कि क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन अपने आप बदल जाएगा, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पर नंबर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसमें 30 प्रश्न जो दिख रहा है 30 प्रश्न है, ठीक है। तो अब एक एक करके इस टेस्ट में टेस्ट को देते जाइए। टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपके सामने में टोटल रिजल्ट आ जाएगा कि आप कितना सही लगाए हैं कितना गलत लगाए हैं। हरा वाला जो पट्टी बन, दो टाइप का पट्टी बनता है यहाँ पर, एक लाल वाला और एक हरा वाला। जितना भी सही उत्तर रहेगा उसमें लाल का हरा का पट्टी बन जाएगा, जितना गलत उत्तर रहेगा उसका क्या बोलते हैं, लाल पट्टी बन जाएगा। उसमें आपको लिखा रहेगा कि आप कौन गलत किए हैं कौन सही किए हैं, उसका सही उत्तर क्या होगा, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम इसको बैक चलते हैं। आपको टेस्ट देने वाला समस्या से आप निजात पा गए हैं कि आपको टेस्ट कैसे लगाना है, ये तो समझ गए। अब चलिए दूसरा टेस्ट के बाद विज्ञान, दूसरा जो बटन है वो है दसवीं चैप्टर वाइज, ठीक है। ये जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये हरे कलर में जो आप बटन देख रहे हैं विज्ञान दसवीं चैप्टर वाइज क्लिक किया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दसवीं का चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव जो बना हुआ है, लिखित ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जितना भी विज्ञान का नोट्स है वो नोट्स के बारे में एक कमेंट आया था तो वो यहीं पर, इस पर क्लिक करेंगे तो अब उस पेज में चले जाएंगे जहाँ पर ये नोट्स सब आपके लिए बना हुआ है। चलिए देखिए ये नोट्स पर अभी इस पेज में काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ ब्लैक ब्लैक में सब कुछ लिखा हुआ है कि इस पेज पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे काम इस पर चल रहा है, धीरे धीरे सारा कुछ मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपके पास में जितना भी क्वेश्चन है, ये है रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखिए ये सब वेबसाइट पर डल चुका है, इस पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा फिजिक्स यानी भौतिकी का, इसमें भी इसमें चार चैप्टर में क्वेश्चन अपडेट हो चुका है, यहाँ पर आप जाकर के भौतिकी का क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये रहा जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब इस पट्टी के बाद अब देखिए अब शुरू हो जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, भौतिकी विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये यहाँ से है, और इसमें देखिए ये बन डल चुका है, ये डल चुका है, ये डल चुका है, ये डल चुका है। अब ये दो चीज़ अभी नहीं डला है, अपडेट हो जाएगा तो फिर ये भी अपने आप रंगीन हो जाएगा। तो इसका नोट्स आप इसमें देख सकते हैं, इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपको लिखित नोट्स वाला पेज में चले जाएंगे। वहाँ इंतज़ार करना, थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लगता है क्योंकि वो इमेज है फाइल, तो वहाँ लोडिंग लेगा तो थोड़ा इंतज़ार करना है। तो आपके सामने में चैप्टर वाइज नोट्स आ जाएगा, उस नोट्स को आप याद कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट करके उसको याद करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार रसायन विज्ञान का है, इसी प्रकार जीव विज्ञान का सब बना हुआ है। आप बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज़ के लिए तो आपको पता ही है, ठीक। अब हम पीछे चलते हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो मुख्य लिंक सब है वो भी आपको बता देते हैं। चलिए फिर भी आपको एक हम नोट्स खोल करके देखते हैं। जैसे इसको हम खोलते हैं, इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नोट्स वाले पेज में चले गए, ठीक है। देखिए अब यहाँ हमारे पास नोट्स आ गया है, नोट्स का क्वेश्चन सब आ गया है ना। रेड वाला जो है ये आंसर है, तो यहाँ पर आप नोट्स को देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तीन बटन आपके बीच में है, एक ये है, एक ये है, और ये एक बड़ा वाला है। ये क्या है, तीनों के विषय में भी जान लीजिए, अगर पता है तो अच्छी बात है। इसमें है नेक्स्ट बटन,
यानी आगे जाना है। अगला पेज में जाने के लिए नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, इस बटन पर क्लिक कर देना है। पिछला पेज में जाने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो अभी तो पहला पेज पर पीछे हम नहीं जा सकते। अब बैक वाला पेज जो है, जहाँ पर सब जितना भी लिंक था उसके लिए ये बटन है, बैक का बटन है। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। आगे जो ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, अगला पर चलेंगे बैक पर, हम जा करके क्लिक करते हैं। बैक पर जाएंगे तो हम बैक वाला पर चले जाएंगे। उसके साथ मैं बैक करके देखता हूँ। देखिए बैक करते ही हम आप देखते हैं कि हम उस पेज पर चले गए जहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बैक से भी आप क्वेश्चन के बैक में जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साइंस का, ठीक है। इस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको बोर्ड से पहले तक मिल जाएगा। चलिए हम पीछे चलते हैं, बैक जाते हैं। और मुख्य पेज पर आ गए। अब चलिए साइंस का नोट्स है, सोशल साइंस का जितना भी टेस्ट है ये आपको, सोशल साइंस का जितना भी टेस्ट है वो इसमें मिलेगा, सोशल साइंस का टेस्ट, ठीक है। इस पर, इस बटन पर क्लिक करके आप सोशल साइंस का टेस्ट लगा सकते हैं। और सोशल साइंस का भी ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए हम सोशल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पेज को भी एक बार देख लेते हैं। नोट्स, यहाँ पर हम लोगों के यहाँ नेट बहुत कमज़ोर है, तो जैसे साइंस में देखे थे ठीक इसी प्रकार है। देखिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए अब इस प्रकार सोशल साइंस का इस पेज को आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स का भी चैप्टर वाइज नोट्स है, इसमें क्लिक करके आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज नोट मिल जाएगा। गणित का है, गणित, इंग्लिश का इंग्लिश, नन हिंदी, ठीक है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। और इसी पेज में आपको एक बहुत रोचक चीज़ मिलने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़रूरी का चीज़ है और इसको प्रत्येक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। इसमें देखिए क्या बना है, जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसमें है, फरवरी के लिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी पूरा वर्ष का जितना भी इम्पोर्टेंट डेज है उसका एक लिस्ट आपको मिल गया। अब नीचे आइए, जो महत्वपूर्ण लिंक जो है वो आपके लिए क्या सब है, यानी इस वेबसाइट पर कौन कौन सा पेज है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, तो देखिए। अगर SSC रेलवे से संबंधित GK और चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करना होगा। ITI से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो ये है। कंप्यूटर फंडामेंटल का जो लिंक है ये है। 12वीं वाला स्टूडेंट को चाहिए तो 12वीं वाला इस पर है। 10वीं वाला इस पर है, जिस पर हम अभी हैं। और 10वीं का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका ये लिंक है। 12वीं का व्हाट्सएप ग्रुप ये लिंक है। टेलीग्राम का ये लिंक है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। उसके बाद फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक बच्चे का भी क्लास है, इस पर बालक क्लास से संबंधित रोचक जानकारियाँ शेयर की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बटन हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पर सब्सक्राइब। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन पर जो ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे में यहाँ आपको ढेर सारा बटन है। इस पोस्ट को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।